हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 में आप लोग डार्क मोड को कैसे ऑन कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 है और इस टैब में जो है आप लोगों को डार्क मोड को ऑन करना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अगर रात में अपना टैब चलाने की आदत है तो यहाँ पर देख सकते हैं टैब जो बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग यहाँ पर से डार्क मोड को ऑन नहीं करोगे तो यहाँ पर आपका जो आँख है वो यहाँ पर प्रॉब्लम देने लगेगा इस आपकी आँखों में, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले बहुत बड़ा है। अगर आप लोग डार्क मोड को ऑन करके रात में अपने इस टैब को चलाओगे तो आपके आँखों में जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डार्क मोड को कैसे ऑन करेंगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डार्क मोड को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस डिस्प्ले का, तो इस डिस्प्ले के ऑप्शन पे जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है। डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले का जो सेटिंग्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर शो हो गया है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस लाइट और डार्क का, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग डार्क पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो टैब है वो डार्क मोड में चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सारे यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह जो वो डार्क हो गया है। यहाँ पर से आप लोग अपने टैब को जो अभी रात को यूज़ कर पाओगे। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 में आप लोग डार्क मोड को ऑन कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।